गैब का एक रखते हैं रब की अदा से, अल्लाह के देने से। और दूसरी बात यह कि खालिक कायनात का इल्म लामहदूद है, जिसकी कोई हद नहीं है और उसकी कोई इम्तिहान नहीं है। और हुजूर अकरम रहमतुल्लाह अलैह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म महदूद है, लेकिन उसकी हद क्या है इसका इल्म किसी इंसान को नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तआला ने जो इल्म अता फरमाया वो इल्म अगरचे ये महदूद है, लेकिन उसकी हद क्या है सिवाय खालिक कायनात के कोई नहीं जानता कि अल्लाह ने अपने नबी को अपने महबूब को कितना इल्म अता फरमाया। और इल्म जब कहा जाता है तो उसमें मौजूदा, गायब, छुपी हुई, जाहिर सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। तीसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जाती है कि खालिक कायनात बजाते खुद जानता है, अल्लाह को कोई नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला इल्म देता है, अल्लाह तबारक व तआला सिखाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये इल्म गैब के मुताबिक बुनियादी चंद बातें, इसको अगर हम सामने रखें, पेश नजर रखें, जहन में रखें, तो आगे जो रिवायत हम बयान करने वाले हैं उसमें माशाल्लाह अकीदत व मोहब्बत रखने वालों को तो कोई किसी किस्म का शक और शुबा नहीं होता। हो सकता है किसी आदमी को ये बात समझ में ना आए या फिर उसका जहन इस बात को कबूल ना करे, लेकिन समझना चाहिए कि इब्तिदा में हमने जो अहम तरीन तीन बातें अर्ज की हैं उसको सामने रखा जाए तो फिर इल्मे खुदाबंदी और इल्मे नबवी में फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मे गैब रखते हैं इसका ये माना नहीं है कि अल्लाह के नबी खुद से जानते हैं। हुज़ूर इल्मे गैब रखते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के ना बताने पर भी जानते हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मे गैब रखते हैं इसका ये माना नहीं है कि अल्लाह तआला ताला के बराबर जानते हैं। ये सारी बातें गलत है। तो हमने जो इब्तिदा में बुनियादी तौर पर जो बातें अर्ज की हैं उसको सामने रखा जाए और उसके बाद हमारे लिए सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ताला ने छुपी हुई बातों का इल्म अता फरमाया, इस बात का सबूत और इस बात का इजहार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसी में ये बात जाहिर होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया। रसूल का माना वो जो खुदा का पैगाम लेकर बंदों तक आए और बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। तो अब आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को अपना पैगाम देने के लिए भेजा है तो जाहिर है कि बंदे जो नहीं जानते अल्लाह ताला ने तो वही भेजा है जो हम नहीं जानते। तो जो हम नहीं जानते वो हुजूर बता रहे हैं तो फिर ये गैर का ही इल्म हुआ, क्योंकि रसूल होते वो हैं जो खुदा का पैगाम बंदों तक पहुंचाते हैं। तो बंदों से पहले नबी जानते हैं कि हमको क्या क्या हुक्म दिया गया, एक बात भी। दूसरी बात यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में जहां रसूल कहा गया वहीं हुजूर को नबी भी कहा गया। नबी का माना क्या है, ज़माने अरबी का लफ्ज है। नबी का माना होता नबी के वजह उसके उसके मस्दर के एतबार से माना बदल जाए। लफ्ज नबी इसका एक माना होता है बुलंद शान वाली शख्सियत, ऊंचे शान वाली शख्सियत। नबी का माना जिनका मकाम यहाँ है बुलंद हो उनको नबी कहते हैं। इसलिए कि अरबी में जो टीला ऊंचा होता है मिट्टी का ढेर या फिर कोई भी चीज जो ऊंची होती है उसको नबाउन कहते हैं, तो उसी से बना नबी। तो अजमत वाली जाते पाक को नबी कहते हैं, एक माना। दूसरा माना ये बना है, लफ्ज नबी बना है खबर देने से, नबाई नबी तंबी अतुल कहते हैं खबर देना। कौन सी खबर देना, छुपी हुई बातों की खबर देना, गैब की खबर देना। तो जो गौर गैब की खबर देते हैं उनको नबी कहते हैं।
तो जब जब उम्मत ही कहेगा हमारे नबी, तो उसका माना हुआ कि वो नबी जो छुपी हुई बातों का इल्म देते हैं, जो बंदे नहीं जानते वो बताते हैं, यही माना हुआ नबी का। तो अब ये सब देखने और सुनने के बाद क्या हमारे दिलों में कोई शक और शुबा पैदा हो सकता है या बाकी रह सकता है कि उसरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपी हुई बात नहीं जानते वगैरह वगैरह। अजीब, मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि प्यारे आका को छुपी हुई बातों का इल्म रखने वाला जानना, मानना, हुजूर को गैब का इल्म रखने वाला मानना, ये ईमान के ईमानियात में से। अगर कोई ये कहे खुले तौर पर और बगैर किसी खैर के यूं कह दे कि हुजूर गैब नहीं जानते, तो नौजुबिल्लाह वो तो काफिर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जात गैब है, किसने देखा है? सरकार बता रहे अल्लाह है, और उम्मती ये कहे कि नबी गैब नहीं जानते, तो वो गोया खुदा का इनकार कर रहा है। जन्नत हमारी आंखों से छुपी हुई है, एहसास से छुपी हुई है, दोजख को हमने नहीं देखा, कब्र के अजाब को हमने नहीं देखा, उधर पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें इरशाद फरमाई। मरने के बाद फरिश्ते आएंगे, किसने देखा है? मरने वाले तो चले गए, मगर दुनिया में किसने देखा? लेकिन मानना लाजिम है, अगर कोई कब्र के अजाब का मुनकिर हो, दुबरा है, जन्नत दोजख का मुनकिर हो, मुनकिर हो, तो फिर वो तो ईमान से निकल गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कई अंबिया इकराम आए, और हुजूर ने बताया कि ये नबी आए, हजरत आदम तशरीफ आए, किसने बताया? नूह अलैहि सलाम आए, किसने बताया? साहब नबी का जिक्र प्यारे आका ने किया। अगर कोई कहे कि हुजूर गैर नहीं जानते, तो फिर ये सब नबियों का इनकार हो गया, इसलिए वो काफिर हो गया। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि सरकार को किस बात का गैर का इल्म दिया गया, कौन सी बातें अल्लाह ने अपने नबी को बताई, कौन सी बताई, इसका तायुन हम नहीं कर सकते, इसकी हदबंदी हम नहीं कर सकते, और इसकी कैद हम नहीं लगा सकते, क्योंकि सिखाने वाला परवरदिगार है और सीखने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो देने वाला रब जाने और ये इल्म सीखने वाले देने वाले नबी जाने कि अल्लाह ने उनको कितना दिया। कुरान शरीफ क्या कहती है? कुरान पाक में आयत करीमा बताती है, अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, के नबी आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने वो सब आपको बता दिया। जो नहीं जानते थे अल्लाह ने वो सब आपको बता दिया, तो पता चला कि हुजूर क्या नहीं जानते थे, ये कौन बताएगा कि हुजूर ये नहीं जानते थे, ये नहीं जानते थे, ये नहीं जानते थे, ये कौन बता सकेगा? कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि नबी क्या नहीं जानते और क्या जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने नबी को सब कुछ सिखा दिया, और इसके अलावा और एक आयत करीमा है, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ غیب کی خبر تمہیں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ غیب کی خبر تمہیں نہیں دے گا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَغِيثُ بِرُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نبی بنایا، اور ان نبیوں کو ان رسولوں کو اللہ نے غیب دیا، तो गैब की खबर अल्लाह तआला तआला अंबिया को अता फरमाता है, ये कुरान पाक कहता है। और हाजी सरकार कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर रखते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपी हुई बातों को जानते हैं, ये बुनियादी अकीदा है इस्लाम का। इसका इनकार करना, सिर्फ इनकार कर देना कोई कैद के बगैर, बगैर किसी कैद के अगर कोई इनकार करे तो वो दीन से निकल जाएगा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खबर दी, दोजख की खबर दी, फरिश्तों की खबर दी। बल्कि अगर कोई ये कहे कि नौजुबिल्लाह गैब की खबर हुजूर को नहीं है, तो वो तो कुरान का ही मुनकिर है। इसलिए कि कुरान अल्लाह की तरफ से उतरा, ये किसने बताया, किसने देखा कुरान अल्लाह की तरफ से आया? क्या जिब्रील अलैहि सलाम को लोगों ने देखा, या जिब्रील अलैहि सलाम किताब की शक्ल में आए,
कुरान शरीफ तो ऐसा उतरता था, खुद सही बुखारी की हदीस में आता है कि जब कुरान पाक का नुज़ूल होता तो आहिस्ता से मामूली सी घंटी की कभी आवाज आती थी। वो क्या था? कुरान अल्लाह का कलाम है जो होता था, या ऐसी आवाज आती थी जैसे कि कोई पत्थर पे अगर कोई बड़ी जंजीर डाल के खींचे तो आहिस्ता से उसकी जो आवाज आती वैसी आवाज आती थी। और ये आवाज कोई नहीं सुनते, सिर्फ हमारे आका रहमतुल्लाहि अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते। तो कुरान शरीफ आया, कुरान पाक उतरा, कुरान पाक की ये आयतें हैं, जब जब हुजूर ने बताया तब तब सहाबा ने उसको लिख दिया। तो सरकार ने कुरान को कुरान बताया, ये सब गैब की बात है, छुपी की बात है। कुरान हुजूर के बताने के बाद जारी है, मगर सरकार के बताने से पहले कैसे आया, कहां से आया, किसको बताया? तो ये छुपी हुई बात है, गैब की बात है जो अल्लाह के नबी बता रहे हैं। अगर कोई कहे कि नौजिला सरकार गैब नहीं जानते, तो नौजिला कुरान का भी मुनकिर, फरिश्तों का भी मुनकिर, जन्नत का भी इनकार करने वाला है, दोजख का भी इनकार करने वाला है, खबर का भी इनकार करने वाला है, खबर के अज़ाब का भी इनकार करने वाला है, आखिरत तो आखिरत की सारी चीजें, जैसे कहा जाता है आदिश शरीफा में आया राजा का बुनियादी अकीदा है इंसान के आमाल को ले जाएंगे। किसने बताया हमको तो ले जाएंगे? ये गैब की तो बात है, हमने देखा भी, किसने देखा है? तो ये गैब की बात है, हुजूर बता रहे हैं। तो ये सारी तफसीलात हैं, इन सब को इल्मे गैब ही कहते हैं। अगर कोई जानबूझ के कहे कि नहीं मैं इसे गैब नहीं कहता, तो जो कहते कह दीजिए, मगर बात तो वही है कि जो बात हमारे इल्म से, हमारी आंखों से, हमारे एहसास से छुपी हुई है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया। आप इल्मे गैब नहीं कहते तो कुछ भी ना दीजिए, मगर है तो वो छुपी हुई बात। हाजी अभी आप चल मुख्तसर सी अहादीस शरीफा हम आपके सुंदर में रखेंगे, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उस अजमत वाली शान का जिक्र होता है, उस अजमत का पता चलता है कि अल्लाह तआला ताला ने आपको कैसी कैसी बातों का इल्म अता फरमाया और कैसी कैसी बातें आप चाहते हैं। मान लीजिए कुछ देर के लिए सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी के मुताबिक ये अकीदा रखना के प्यारे आफा गैब का ही करते हैं, ये हुजूर की शान है, अजमत है। और जो प्यारे नबी को गैब दान जानता है, समझता है, वो हुजूर का ताजिद करने वाला है। क्यों? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वा तुअसिरुहु वा तुअक्किमुहु, ऐ लोगों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करो, तौजीह करो। तो सरकार को अगर कोई ये कहे कि हुजूर क्या पीठ पीछे क्या है नहीं जाते, ये कहे कि रसूलुल्लाह अगर कोई के अगले जमाने का इल्म हुजूर को नहीं है, तो ये ताजीम है या तौहीन है? खुले तौर पर बात वाजे है कि ये बिल्कुल तौहीन है, क्योंकि नबी अगर नहीं जानते तो बताया किसने, नबी अगर नहीं जानते तो सिखाया किसने? तो बात कहने के लिए, इनकार करने के लिए मामूली सी है, मगर कितना ये इनकार, कितना बड़ा इनकार होता है कि एक मोमिन को काफी भी बना सकता है। हाँ जी, अब देखिए अगर दुनिया के इतिहास से कोई अच्छी नॉलेज रखने वाला आदमी, किसी को सियासत के मुताबिक बहुत सारी मालूमात है, उसमें महारत रखता है, कोई तारीख के बारे में अच्छी मालूमात रखता है, कोई कानून दान है, और कोई इल्म वाला है, कोई अच्छे मुकर्रर है, ये जिसके अंदर जो भी खूबी होगी, आप उनकी बात जब सुनेंगे और नई बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, माशाल्लाह आज तक हमने नहीं सुनी थी, क्या अच्छी बात बताया। यानी जो बात आमतौर पर सुनी नहीं गई, वो सुनने के बाद जिससे सुन रहे हैं उसकी मोहब्बत ही तो दिल में आएगी, उसकी तासीर करना तो दिल बोलेगा। तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा इकराम वो सब गैब की बातें सुनते, जो सहाबा देख नहीं सकते थे, महसूस नहीं कर सकते थे, जानते नहीं थे, वो सब बातें सुनने के बाद उनके ईमान में कैसी ताजगी होगी, वो कैसे अपने के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते होंगे। अब मिसाल के तौर पर, मिसालें तो हजारों लाखों हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुताबिक, हजारों लाखों मिसालें, बस मैं आमतौर पर जो लाकर समझ सकते हैं उसके अतबार से अर्ज करूंगा। हर एक मुसलमान
ये मांगता है कि मरने के बाद कब्र में दफनाना है, दफनाने के बाद दो फरिश्ते आते हैं। तो ये किसने बताया? सरकार ने फरमाया। तो सरकार ने जो बताया वो फरिश्ते आते हैं और उससे सवाल करते हैं, उससे जवाब देते हैं। एक अजाब का फरिश्ता होता है, एक रहमत का फरिश्ता होता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत का सामान होता है और उसकी खबर 70 वर्ष 40 लंबी कर दी जाती है। फिर बंदा अल्लाह की रहमत को देख के पूछता है कि अल्लाह मैं दुनिया में जाके मेरे रिश्तेदारों को बता के आऊंगा कि ये नेमत मुझे मिली है। ये सब किसने बताया? प्यारे आका ने तो इरशाद फरमाया, गैब नहीं है तो क्या है? छुपने की बात नहीं है तो क्या है? आप गैब नहीं कहते मत कहिए, लेकिन है क्या है? वही बात जो हम नहीं जानते, हुजूर फरमा रहे हैं बस किसी का नाम गैब है। इसको आप गैब का नाम नहीं लेना चाहते तो जो चाहे रख लीजिए, आपकी मर्जी है। मगर मानना तो पड़ेगा कि ये बात है। अगर कोई इनकार करेगा तो फिर बात दुरुस्त नहीं है। हाँ जी, अब ये कि सरकार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में एक बात कही थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का, अपनी उम्मत के दिलों का हाल भी जानते हैं। हमारे दिल में क्या ख्याल आता है, क्या तसव्वुर आता है, क्या बात पैदा होती है, हुजूर ये जानते हैं। मिसालें तो बहुत सारी हैं, मगर एक बुखारी हदीस शरीफ में अर्ज करूंगा। और ये आज ये अकीदा रखना हमारे लिए जरूरी है। फी जमाना लोग ये समझ रहे हैं कि क्या बात, क्या लोग हमेशा हुजूर की अजमतों की बातें करते हैं। देखो दुनिया कहाँ जा रही है, कोई चांद तक पहुंच गया, कोई सूरज पे जाने की बातें कर रहा है, और वो फला मुल्क ऐसी तरक्की की, फला मुल्क ऐसी तरक्की की, और मुसलमान जाके वहां। तो याद रखिए, सबसे पहली बात मैं आज करूंगा, मुसलमान दुनिया में तरक्की करने के लिए नहीं आए। दुनिया में मुसलमान दुनिया की तरक्की की खातिर नहीं आए हैं, दुनिया में जिंदगी गुजार कर आखिरत की तरक्की के लिए आए। मुसलमान अगर दुनिया में तरक्की करने के लिए आता तो सूरज में आसमान पर बैठ जाता। सूरज क्या चीज है, चांद क्या चीज है? मुसलमान को अगर दुनिया में दुनिया की तरक्की के लिए भेजा जाता वो तो आसमान में भी बैठ सकता। बात ऐसी नहीं है, बात दरअसल ईमान की है, अकीदे की है, मोहब्बत की है और प्यारे नबी के अहकाम की है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक क्या अकीदा रखना यह जरूरी है। तो सरकार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखना लाजिम है, फर्ज है कि प्यारे आका छुपी हुई सारी बातों को जानते हैं। मैंने जो अर्ज किया दिल की हालत को भी जानते हैं, उस पर एक हदीस शरीफ है सही बुखारी की। एक सहाबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज करने लगे कि हुज़ूर मुझे क्या क्या करना जरूरी है। तो सरकार ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, हज करो। करीमा पढ़ लिए थे इसलिए सरकार ने चार बातें इरशाद फरमाया। तो उन्होंने अर्ज किया कि हुज़ूर आपने जो फरमाया मैं उस पर ऐसा अमल करूंगा, ना कमी करूंगा ना ज़्यादती करूंगा। अब यहाँ एक जिंदा बात आ रही है तो अर्ज करूंगा, कमी और ज़्यादती का मतलब लोग गलत समझ गए। मैं कभी करूंगा ना ज़्यादती करूंगा, तो इसलिए ज़्यादती करना बिदअत है ये समझ लें। दीन के किसी मामले में जो फर्ज का दर्जा रखता है उसमें कभी ज़्यादती जायज नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे काम की इजाद करना जिससे मुसलमानों को फायदा हो तो उसके करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो कभी ज़्यादती नहीं करूंगा का मतलब हुजूर ने फरमाया नमाज में 5 फर्ज है, तो अर्ज कर रहे हैं जो 5 ही फर्ज समझूंगा। इसका यह मतलब नहीं है मैं नफिल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि नफिल पढ़ेंगे तो 6 नमाजें होगी। तो कमी और ज्यादती नहीं करूंगा का मतलब नफिल नहीं पढ़ूंगा ये मुराद नहीं है, तहज्जुद नहीं पढ़ूंगा ये मुराद नहीं है, बल्कि फर्ज 5 नमाजें हैं तो 5 को ही फर्ज जानूंगा, इसके सिवा इजाफा नहीं करूंगा। फजर की हुजूर ने फर्ज की 2 रकातें इरशाद फरमाई तो 2 ही पढ़ूंगा, 1 नहीं करूंगा, 3 नहीं करूंगा, ये बयान कर रहे हो साहब। तो अभी ईमान लाए थे, इधर आए अर्ज किए, सरकार ने फरमाया अर्ज करते हुजूर अब मैं ज्यादा ही करूंगा ना कम ही करूंगा, और वो पलट कर जाने लगे तो सरकार ने इरशाद फरमाया जिस जो जो ये चाहता है कि जन्नती को देखे, अगर कोई जमीन पर चलता फिरता जन्नती को देखना चाहता है
तो सरकार ने फरमाया ये जा रहे हैं इनको देखो ये जन्नती है। सुभान अल्लाह, ईमान लाए थे, अभी नमाज रोजा ज़कात हज सीखे हैं, पढ़े नहीं है, मतलब नमाज की फर्जियत, रोजे की फर्जियत, ज़कात की फर्जियत, हज की फर्जियत और कलिमा तैयबाना यकीन के दिल में था, अभी अमल से नहीं जाहिर हुआ था। तो सरकार ने फरमाया ये जन्नती है, यानी पक्का यकीन करके आए थे और सच्चे यकीन के साथ जा रहे हैं। और यकीन दिल में होता है, यकीन की कोई सूरत नहीं होती, नमाज की शक्ल है, ज़कात देते हुए नजर आती है, यकीन की कोई शक्ल नहीं होती, दिल में यकीन है या नहीं है, अगर यकीन नहीं होता तो हुज़ूर जन्नती नहीं फरमाते, यकीन है इसलिए हुज़ूर ने फरमाया ये जन्नती है इनको देखो। तो दिल में क्या बात है हुज़ूर वो भी जानते हैं, इसे ही बुखारी की हदीस पाक। तो ये अकीदा प्यारे आका के मुताबिक रखना हर एक मुसलमान के लिए लाजिम। अब खुलफाए राशिदीन से मुताबिक चंद बातें जो सरकार ने उनको खुशखबरी अता फरमाई थी वो चंद बातें मैं आज करूंगा, फिर अपनी बात हम इख्तिताम की तरफ लाएंगे। हदीस पाक में से ही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये इरशाद फरमाया कि आपके वालिद अबू बकर को बुला, तो क्योंकि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो हजरत उम्मे मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तज़ज्जुब में रही कि इस वक्त हुज़ूर को ज़हमत क्यों दे, तकलीफ क्यों दे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो सुनो, हुज़ूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने कहा अबू बकर को बुलाओ, तो तुम अबू बकर को बुलाने में तामुल कर रहे हैं, तसल्लुस कर रहे हैं। तो याद रखो मेरे बाप अबू बकर मेरे खलीफा हैं और दुनिया का हर मोमिन उनको चाहेगा, अल्लाह और उसके रसूल भी उनको चाहते हैं। सुभान अल्लाह, के खलीफा आप ही बने। तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाले मुबारक से पहले खलीफा कौन होंगे हुज़ूर ने पहले ही बता दिया, मोमिन क्या करेंगे। एक बात तो ये है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह अपने बेटे को या किसी और को बादशाह बनाना चाहता है, आखिरी वक्त नसीहत कर रहा है कि इनको बादशाह बना, उसके मरने के बाद वो किसी और को बना दिए, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार ये फरमा रहे कि मैं वसीयत कर रहा हूँ कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे और मोमिन भी उन पे उनसे राजी होंगे। तो अहले ईमान और दीगर साहब इकराम का हजरत सिद्दीक अकबर के साथ मामला क्या होगा, हुजूर पहले ही जान रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मोमिन भी आपके खिलाफत पर इंतजाम करेंगे और आपके खिलाफत पर आएंगे। हाजी नौरे हदीस पाक में सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर के साथ में मौजूद था, अचानक सरकार ने फरमाया कि अब एक शख्स आएंगे, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से हुजूर फरमा रहे हैं एक शख्स आएंगे और वो जन्नती। तो ये हुजूर ने इधर फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर आ गए। सुभान अल्लाह। और ऐसे ही हदीस पाक में हजरत सैयदना उस्मान अली, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब, हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में दूसरी बार हुजूर ने फरमाया कि अब एक और शख्स आएंगे वो भी जन्नती है, तो हजरत उमर आए। फिर हुजूर ने फरमाया एक और शख्स आएंगे वो भी जन्नती है, तो हजरत उस्मान आए। सरकार ने फरमाया एक और शख्सियत आएगी और वो भी जन्नती है, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो तर्तीब से सहाबा इकराम की ये तर्तीब को प्यारे आका ने तर्तीब से बयान फरमाया, फिर जन्नती होने का भी इरादा फरमाया। इसमें खिलाफत की तर्तीब भी बताई जा रही है, फजीलत की तर्तीब भी हुजूर ने बता दी और उनके जन्नती होने का जिक्र भी पहले ही फरमा दिया। और हाजी इसी तरह और एक हदीस पाक में आता है सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि साद बिन रुबाई साहबी रसूल हैं, उनकी जियारत के लिए मतलब उनसे मुलाकात के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो सरकार तशरीफ रखे, सहाबा कहते हैं कि हम भी हुजूर के साथ बैठे। फिर हुजूर ने फरमाया कि ये भी उसी तरह की बात कि तीन सहाबा के हुजूर ने नाम लिए कि अबू बकर, हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, हजरत उस्मान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
उसके बाद सरकार ये फरमा रहे हैं कि अब चौथे शख्स आएंगे, ये फरमाकर हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्शी तजाल तो आली है, एला मैं चाहता हूं कि तू चाहे, हुजूर फरमा रहे हैं एला मैं चाहता हूं कि तू चाहे अब जो आए वो हजरत अली। सरकार ने ये फरमाया उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मतलब अब कौन आने वाले हैं वो भी हुजूर चाहते हैं और हुजूर जिसको चाहे खलीफा बनाते हैं, यानी मशीयत इलाही मशीयत नबवी, हुजूर जो चाहते हैं अल्लाह ताला चाहता है कि नबी की बात पूरी हो जाए। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक पहले ही जो खबर अता फरमाई उनमें से ये हदीस पाक मुसनफ इब्ने अबी शैबा में फरमाते हैं कि सरकार ने एक मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बदन पर एक कपड़ा देखा, लिबास देखकर फरमाया कि ऐ उमर ये नया लिबास है या धुला हुआ। तो अर्ज करते हैं कि हुजूर ये तो धुला हुआ है। तो प्यारे आका ने फरमाया या उमर इल्बस जदीदन वाइश हमीदन वतवफा शहीदन। फरमाया सरकार ने कि ऐ उमर तुम नया नया लिबास हमेशा पहनोगे और खुशहाल जिंदगी गुजारोगे और जब तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा तो शहादत के साथ दुनिया से जाओगे। तो एक एक ही वक्त में सरकार ने हजरत फारूक आजम को तीन खुशखबरियां दी और आने वाले जमाने की तीन बातें हुजूर ने पहले ही बताई कि आप ऐसे होंगे, लिबास नया होगा। ये लिबास नया है, हजरत फारूक आजम को नया नया क्यों पहना है? सहाबा इकराम अपने से कोई चीज अपने तौर पर अपने इरादे से पहनना खाना नहीं चाहते, रब ताला दे देता तो खा भी लेते पी भी लेते। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह के मुताबिक आता एक सहाबी फरमाते हैं जुमा के दिन मेंबर पर हजरत फारूक आजम को उनके दौरे खिलाफत के इब्तदाई दौर में मेंबर पर मैंने देखा कि वो आप खड़े हुए हैं तो उनकी चादर में नौ पैगंबर देखे, एक चादर में नौ पैगंबर लगे हुए थे, फटा हुआ हिस्सा सिला हुआ था, दूसरा कपड़ा लगाकर सी दिए थे, नौ पैगंबर थे आपकी चादर। तो आप चाहकर ऐसा लिबास पहनते थे लेकिन अल्लाह ताला आपको नया नया लिबास पहनाएगा, सरकार ने पहले ही खुशखबरी अता फरमाई और जिंदगी खुशहाल होगी। खुशहाली का मतलब मालदारी नहीं है। सहाबा इकराम ने चार चार दस दस मंजिला बिल्डिंग नहीं बनाई, मालदारी आलिशान घर ऊंचा मकान बेहतरीन जिंदगी इसका नाम ये खुशहाली नहीं। खुशहाली दरअसल दिल के सुकून का नाम, खुशहाली दरअसल अल्लाह उसके रसूल की रिजामंदी का नाम। तो जिस बंदे से अल्लाह उसके हबीब राजी होते हैं वो खुशहाल होता है और वो गम में भी हो तो उसे खुशी नजर आती है, गम में भी अगर है तो उसे खुशी नजर आती है। फिर सरकार ने आपकी शहादत की खुशखबरी पहले ही अता फरमाई। हाजिरीन उधर बात अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के मुताबिक एक और खुशखबरी अता फरमाई, गैब की खबर जो हुजूर ने अता फरमाई उसमें से ही भी है कि हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन सहाबा इकराम में तशरीफ लाए और फरमाया कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में, आगे जमाने में जो फितने होने वाले हैं उन फितनों के मुताबिक सरकार ने जो फरमाया है, ए लोगों क्या आप जानते हो? हजरत फारूक आजम पूछ रहे हैं। तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला को जवाब में कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आपको उन फितनों से क्या फिक्र, आपको उन फितनों की फिक्र क्यों है? क्योंकि वो फितने तो आपके बाद आएंगे। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला के मुताबिक आता है कि आप हुजूर पाक के रास्तदार हैं, गैब की राज की बातें सरकार हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला को सुनाते हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला हजरत हुज़ैफ़ा से अक्सर पूछते थे सरकार ने ये क्या फरमाया, इसके बारे में क्या फरमाया। कोई भी लड़ाई के लिए निकलते, कोई फैसला करना होता तो आप पहले पूछ लेते हुजूर ने क्या इस बारे में कुछ फरमाया है। तो हजरत हुज़ैफ़ा फरमा रहे हैं आप क्यों फिक्र कर रहे हैं मेरे मोमिनीन, आपको इन फितनों से क्या ताल्लुक? तो आप फरमाते हैं हजरत फारूक आजम के बात क्या है ये बताओ। तो वो अर्ज करते हैं कि मैंने सरकार को फरमाते सुना कि फितने और
फितनों के खुलने के लिए, फितनों के दरमियान हजरत उमर बिन खत्ताब एक दरवाजा है, फितनों के दरमियान हजरत उमर बिन खत्ताब एक दरवाजा है। तो मैंने आज क्या हुजूर को दरवाजा खुला हुआ है या बंद है? तो सरकार ने फरमाया वो बंद दरवाजा है, और जब वो दरवाजा खुलेगा तब फितने शुरू होंगे। तो सर हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के जमाने तक फितने नहीं हुए, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का इब्तदाई दौर राहत और सुकून में गुजरा। फिर बाद के 6 साल आपके मुसीबतों में, फितनों में, आजमाइशों में गुजरा। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के बाद में फितने आएंगे, आजमाइशें आएंगे, सरकार के जाते हैं और पहले ही सामने इकरार को बता दिया है। आगे इसी तरह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के मुताबिक क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस्मान गनी मेरे पास से गुजरे और मेरे पास उस वक्त हुजूर फरमाते हैं उस वक्त मेरे पास एक फरिश्ता था। उस फरिश्ते ने हजरत उस्मान को देखकर कहा कि ए नबी, ये जो शख्सियत जा रही है ये शहीद है, आपके कौम में लोग इनको शहीद करेंगे। तो फरिश्ता आने वाले जमाने की खबर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा है। तो इस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले जमाने की खबर जानते भी हैं और सहाबा इकराम को भी बताते हैं। अरे इसी तरह हजरत मलाइका कायना सैयदना अली रजी अल्लाह तआला के मुताबिक आता है, हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अबू राफे रजी अल्लाह तआला के आप अहलिया मुकरमा हैं, तो फरमाती हैं कि मैं एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब एक जन्नती यहाँ आएंगे। हुजूर ने फरमाया अब एक जन्नती यहाँ आएंगे। हुजूर ने इधर फरमाया तो हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं किसी इंसान के चलने की चप्पल की आवाज सुनी। यानी सरकार ने उस वक्त फरमाया कि हजरत अली अभी करीब ही नहीं आए थे और चलने की आवाज भी नहीं सुन सकते थे, अभी उतनी दूर है, हुजूर ने पहले फरमा दिया। तो वही बता रहे हैं कि कोई समझने वाला ये ना समझे कि चप्पल की आवाज सुन के फरमाए, तो ये फरमा दें कि कोई इंसान आने वाला है, लेकिन सरकार फरमा रहे अली आएंगे, हुजूर फरमा रहे जन्नती शख्सियत आएंगे, और वो आवाज खत्म हुई, वो आवाज आने से पहले, चप्पल की आवाज आने से पहले हुजूर ने फरमाया, इधर हुजूर की बात हुई, इधर मैंने चप्पल की आवाज सुनी, फिर देखा कि हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाए। अली और एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम सब के साथ मौजूद थे, और मैं एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा बताओ, अगले जमाने में कुरान पाक जैसे नाजिल होने के वक्त में कुरान पाक को लोग नहीं मान रहे थे, तो हमने सरकार फरमा रहे हमने कोशिशें की और लोगों को मनवाया, उनके दिलों में बात डाली, उसके लिए कितनी मशक्कतें उठाई, कितनी तकलीफें उठाई। तो सरकार फरमा रहे हैं कि नुज़ूले कुरान के वक्त में जैसी तकलीफ हुई, कुरान पाक की तावील के वक्त भी तकलीफ होगी। तावील का मतलब कुरान का माना बिगाड़ना। तो उस वक्त मेरे जैसी तकलीफ कौन उठाएगा? हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मैं इस काम के लिए आगे हूँ। सरकार ने फरमाया आप नहीं हैं। फिर हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं हुजूर मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, तो सरकार ने फरमाया आप भी नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया तो हुजूर ने फरमाया आप भी नहीं है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक आप उस वक्त मौजूद नहीं थे सैयदना अली रजी अल्लाह, तो सरकार ने फरमाया कि वो अली होंगे कि जिस तरह मैंने नुज़ूल कुरान के वक्त में उसको मनवाने के लिए लोगों की असीयतें बर्दाश्त की, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग कुरान के माना बिगाड़ रहे होंगे, उसका मतलब बिगाड़ रहे होंगे, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला कुरान के माना की हिफाजत करेंगे और उसके लिए जो मशक्कतें दी जाएंगी आप उनको बर्दाश्त करेंगे। तो ये मुख्तसर अंदाज में चंद खुलफाए राशिदीन की हालात जो उनके आने वाले जिंदगी के अहवाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाए हैं उसकी मुख्तसर सी तफसील बयान की गई। तो हाजिर खुलासा सारी गुफ्तगू का ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया। मान लीजिए कुछ देर के लिए एक भी हदीस नहीं होती, एक भी हदीस नहीं होती,
सरकार ने फरमाया अना आलमुकुम बिल्लाह कि मैं सबसे ज्यादा ये लोगों तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह को मैं जानता हूं, यानी नहीं प्यारे आका का इल्म सबसे ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है। तो अब जो इल्म हमसे छुपा हुआ है हुजूर जानते हैं तो वो तो गैब है। तो गैब का इल्म मानने में ना कुफ्र होगा ना शिर्क होगा ना ही कोई बात होगी, अलबत्ता किसी के ज़हन और फिक्र में बिगाड़ है और किसी का दिल मरीज है तो वो इस किस्म की बातें करता है। बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असलतों में आपका इल्मे गैब जानना और इल्मे गैब अल्लाह ने आपको अता फरमाया ये भी एक अज़मत है। अल्लाह ताला हमें प्यारे आका की अज़मतों को समझने और उसको दिल से मानने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में जागृत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पत्नी से صلى الله على محمد صلى الله